और सरगुजा संभाग में अवैध रेत खनन और परिवहन जोरों पर है। मामला मोरन नदी का है, जिसकी नीलामी नहीं होने पर भी बेधड़क रेत की कालाबाजारी की जा रही है। विरोध करने पर पंच मुनेश्वर यादव की पसडिया महिला सरपंच ने झूठे मामले में शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला सरपंच भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मोरन नदी से अवैध रेत की तस्करी करा रही है। वहीं रेत की तस्करी होने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। बालू का किसी प्रकार का कोई परमिशन है नहीं, न ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा कोई लीज यहाँ पे बनाया गया है। जबरन मतलब आप कह सकते हैं कि जबरन बेवजह बालू भेजने का प्रयास कर रहे हैं। खुद यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो जबरन यहाँ पे काम हो रही है। और हम सब ग्रामीण जन जो हमारी मोरन नदी की बालू है उसको हम लोग भरसकर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से बालू न जाए। जब भी रोका बालू को, मेरे ऊपर नाना प्रकार का आरोप लगाते गए। आज तक बालू रुका, लेकिन सरपंच जो है कि हमारे साथ जाके नदी में रुकवाई भी, फिर इसके बाद जाके मेरे ही विरुद्ध थाने में FIR करवा दी। उसका कहना है कि